फैमिली, और आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब एकदम ठीक होंगे। तो आज मैं आप सबके साथ बनाने जा रही हूँ ये गर्मा गर्म और बहुत ही ज़्यादा कुरकुरा प्याज का पकौड़ा, और उसके साथ ये ज़बरदस्त सी धनिया की चटनी। तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं अपनी आज की रेसिपी। साइज की प्याज को अच्छे से कट कर लिया था, उनको ले लेते हैं। प्याज को हमने ऐसी लंबी लंबी सी चॉप की थी, अब इनको अपने हाथों के हेल्प से एकदम मुलायम कर लेंगे, ताकि सभी प्याज जो है एकदम अलग अलग सी हो जाएं और एकदम सॉफ्ट हो जाएं। ये देखिए प्याज हमारी एकदम रेडी है। अब इसमें हम, ये मैंने 2 ग्रीन चिली कट की थी, इनको ऐड कर देंगे। इसमें हम थोड़ा सा हरी धनिया डाल देंगे। इसमें हम 1 टीस्पून सॉल्ट को ऐड कर देंगे, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे, 1/4 टीस्पून हम जीरा पाउडर को ऐड कर देंगे। सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें हम 3 स्पून जो है बेसन को ऐड कर देंगे। इसके बाद हम अपने हाथों की हेल्प से इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम 1 टीस्पून बेसन को और ऐड कर देंगे। बेसन मैंने 1/2 कप लिया था और हमने इसे थोड़े थोड़े करके इसमें डाल दिए हैं। हमने इसमें पानी का यूज़ नहीं किया है, कि जो प्याज का पानी छूटता है उसी से हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अच्छे से मिक्स हो गई है, चलिए अभी इन्हें हम फ्राई कर लेते हैं। ऑयल हमारा जो है अच्छे से गर्म हो गया है। अब मैंने इस पॉइंट पे फ्लेम को मीडियम टू स्लो कर दिया है। मीडियम टू स्लो फ्लेम पे हम अपने पकौड़ों को फ्राई करेंगे। एक साइड से अच्छे से फ्राई होने देंगे, फिर इसे हम पलट कर दूसरी साइड से भी अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। ये देखिए ये एक साइड से फ्राई हो गए हैं, दूसरे साइड से भी अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। पकौड़ों को हमने पलट दिया है, अभी नहीं हम दूसरे साइड से भी अच्छे से कुरकुरा सा फ्राई कर लेते हैं। पकौड़े हमारे दोनों साइड से अच्छे से फ्राई हो गए हैं। ये देखिए ये गोल्डन कलर के हो गए हैं, अब इन्हें हम निकाल लेते हैं। देखिए कितने अच्छे पकौड़े बन के तैयार हुए हैं। ऐसे ही हम बाकी के भी पकौड़ों को निकाल लेते हैं। ये लीजिए पकौड़ों को उतार लेते हैं। प्याज के पकौड़े शाम की चाय के साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो इसे आप अपने घर पर एक बार ज़रूर ट्राई करें। पकौड़ों के साथ खाने के लिए हम चटनी को तैयार कर लेते हैं। हमने धनिया की पत्ती ली है, अब इसमें हम 2 हरी मिर्च ऐड कर देंगे। इसमें हम 2 जो है आम की कली को ऐड कर देंगे। हम 3 लहसुन की कलियों को ऐड कर देते हैं। अब हम 1/2 टीस्पून इसमें नमक को ऐड कर देंगे। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे, ताकि इसका एक अच्छा सा पेस्ट बन जाए, और इन्हें हम पीस लेते हैं। ये पकौड़ों से खाने वाली धनिया की चटनी बनकर एकदम तैयार है। ये देखिए कितनी बढ़िया बनकर तैयार हुई है, बहुत ही ज़्यादा चटपटी है, इसे अपने घर पर एक बार ज़रूर ट्राई करें। ये लीजिए हमारा प्याज का पकौड़ा और धनिया की चटपटी सी चटनी बनकर एकदम तैयार है। उम्मीद करते हैं आप सबको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी, और अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।